हरे कृष्णा 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हम लोग कल श्रवण कर रहे थे प्रह्लाद चरित्र वामन देव की कथा, आठवां स्कंद में वामन देव की कथा, और उसके साथ साथ और दो तीन अवतार का कथा है, जैसे कि कूर्म अवतार, मोहिनी अवतार, मत्स्यावतार। संक्षेप में इस सब अवतार का कथा वर्णन है और एक अम्बरीश चरित्र का वर्णन है। सूर्य वंश में आए हम लोग श्रवण किए हैं कि अम्बरीश महाराज एक परम भक्त थे। नाभाग वंश में आए अम्बरीश युवावस्था से ही भगवान का भक्ति में उनका रुचि आ गया। बहुत कम उम्र में ही वो ससागरा पृथ्वी के राजा बने। बहुत ऐश्वर्य राज ऐश्वर्य उनके पास है, लेकिन ऐश्वर्य में उनका मन नहीं है, रुचि नहीं है, आसक्ति नहीं है। राज कार्य अमात्य, सेनापति के माध्यम से राज कार्य चलाते थे और स्वयं हरी सेवा, हाथ से मन से हरी चिंतन, मुंह से हरी कीर्तन, उसमें लगे रहते। भागवत में वर्णन है, सवई मनो कृष्ण पदार विंदयो वाचां वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ तनु मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये। अम्बरीश महाराज सवई मनो कृष्ण पदारविंदयो, मन को कृष्ण पाद पद्म में, कृष्ण पाद पद्म का चिंतन में सदा मन को नियुक्त रखते थे। वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, वाक्य से हरिगुण गान गाते थे। करौ तन मंदिर मार्जनादिषु, हाथ से मंदिर मार्जन का सेवा करते थे। मार्जन सेवा हम लोग समझते कि छोटा सेवा है, लेकिन भक्ति मार्ग में मार्जन सेवा एक उत्तम सेवा है। हाथ से अगर हरि मंदिर का मार्जन हो, वो हाथ सार्थक हो जाता है। और सुतिंग च अच्युत सत्कथो उदय, कान से निरंतर हरि कथा श्रवण करते थे। अच्युतो सत्कथा उदय, अच्युत भगवान का कथा को श्रवण करने में अपना कान को नियुक्त करते थे। विशुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज परीक्षित महाराज को बोल रहे, सुखदेव जी जानते हो, मैं अभी एक महाराज का कथा तुमको सुनाएंगे जिन्होंने ब्रह्म सांप को भी हजम कर लिया, ब्रह्म सांप को काट दिया, ब्रह्म सांप को सफल होने नहीं दिया। ब्रह्म सांप जिसके बाद आकर निष्फल हो गए। परीक्षित महाराज का उत्साह बढ़ गया। ब्रह्म साप जो निश्चित है, ब्रह्म साप को भी निष्क्रिय कर दे सकते हैं, ऐसा कोई है? है। शुद्ध
कृष्ण भक्त अम्बरीश महाराज उसके प्रमाण है। एक बार उनका मन में ऐसा व्रत करने का इच्छा हुआ कि पूरा साल का जो एकादशी का व्रत है ठीक ठीक पालन करेंगे, कोई विघ्न आने नहीं देंगे। एकादशी का व्रत वास्तव में 3 दिन का होता है, द्वादशी में दशमी में संयम और अर्ध टाइम रात को शाम को आहार नहीं करना। दशमी एकादशी में तो उपवास करते हुए हरि सेवा हरि गुणगान में डूबे रहना और द्वादशी में सुबह उठकर स्नान कर स्नान दान करने के बाद भगवान का निराजन आरती सेवा पूजा भोग ये सब करने के पश्चात वैष्णव सेवन और समय से पारायण करना है, पारना करना है, समय से व्रत को तोड़ना। ये 3 दिन का व्रत होता है एकादशी व्रत। उन्होंने मन में ठान लिया कि एक साल में 24 व्रत होता है, हम ठीक ठीक करके पालन करें। और लास्ट 3 एकादशी को उन्होंने ब्रज में चले गए, वृंदावन धाम। लखनऊ शहर से कोई ज़्यादा खास दूर नहीं है, लेकिन वृंदावन धाम दर्शन करना, वहाँ पर जाना, धूल को स्पर्श करना उसके भाग होना चाहिए। अम्बरीश महाराज लास्ट में 3 एकादशी मधुबन में जाकर कर रहे हैं और यमुना का स्नान करते करते जैसे ही लास्ट एकादशी आया, दुर्वासा ऋषि का मन में ये था कि ये महाराज का जस प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गया, इसको खर्ब करना है। संसार में अच्छे बुरे हैं, दूसरे का अच्छा सहन ना करना ये भी एक बहुत बड़ा पाप। दुर्वासा ऋषि आए लास्ट एकादशी के जो पारना के दिन द्वादशी में वहाँ पर पहुँचे, उनका अतिथि के रूप में महाराज के पास पहुँच गए। महाराज उस समय पूजा पाठ भोग राग करके वैष्णव सेवन करा रहे थे, तब तक दुर्वासा आ गए। वैष्णव सेवन कराने का उद्योग ले रहे थे क्योंकि पारना को तोड़ना है। उसी समय दुर्वासा आए और महाराज ने ऋषि को प्रणाम किया। महाराज जी को मालूम था कि ऋषि कौन कैटेगरी के ऋषि है, इनका तो सेवा में थोड़ा सा भी त्रुटि हो जाए हमारा और हमारा कुल सब नष्ट हो जाएगा। अम्बरीश महाराज उनको सत्कार किया, अभ्यर्थना किए और प्रसाद सेवन करने के लिए आमंत्रण किए। दुर्वासा ऋषि बोलते कि मैं यमुना में स्नान करके आता हूँ, जल्दी ही आता हूँ। गए, इधर पारना का समय, व्रत तोड़ने का समय जा रहा है, नज़दीक आ गया, लेकिन दुर्वासा ऋषि वापस नहीं आ रहे थे। महाराज थोड़ा चिंतित हो गए, अम्बरीश महाराज। अपना गुरु वशिष्ठ से परामर्श किए कि क्या किया जाए, अतिथि को सेवा ना कर हम पारना करें तो वो भी पाप है और हम एक साल से संकल्प करते हुए व्रत करके आ रहे एकादशी का और आज अगर बस द्वादशी का व्रत तोड़ने का कोई त्रुटि रह जाए तो वो भी बहुत बड़ा क्षति होगा, दुख होगा। वशिष्ठ बोले कि चरणामित, भगवान का चरणोदक
जल के समान है, लेकिन उसका फल अधिक है। भगवान का चरणामृत, अधरामृत, आप अगर भगवान का अधरामृत प्रसाद ना खाएं, लेकिन चरणामृत खा के आप पारना कर सकते हैं। जल जो है, जल गुंडूस करके आप जल पान करें, वो खाने का अंदर भी है, ना खाने का अंदर भी पड़ता है पानी का। ये वशिष्ठ कहने पर अम्बरीश महाराज ने भगवान को स्मरण किया, गुरु का स्मरण किया और चरणामृत लेकर पारना कर लिए। उसके बाद दुर्वासा ऋषि पहुंच गए और आते ही क्रोधित हो गया। उनको मालूम हो गया कि महाराज चरणामृत से पारना कर लिया, तुम अतिथि को सेवा ना कर कैसे तुम पारना किए। क्रोधित हो गए, दुर्वासा का क्रोध जगत विदित, भस्म हो जाए सब कुछ। क्रोध डिग्री में इतना बढ़ता चला गया। अम्बरीश महाराज तो कृष्ण भक्त है, शांत रहे, कुछ उत्तर नहीं दिया, हाथ जोड़ के खड़े रहे। और दुर्वासा ऋषि क्रोध का चरम सीमा में जब पहुंचे, अपना बाल को तोड़कर एक अपदेवता कृत्वा सृष्टि किया, भूत प्रेत प्रेतात्मा सृष्टि कर दिया और बोला कि अम्बरीश महाराज को जला दो। ओ जो प्रेतात्मा है धीरे धीरे अम्बरीश के तरफ जा रहे, तब तक भगवान के सुदर्शन चक्र वहां पर प्रकट हो गए। सुदर्शन चक्र जैसे ही प्रकट हो गए, जितना सारे अस्त्र है सृष्टि के अंदर, सबसे अधिक तेज सुदर्शन चक्र का है। दुर्गा देवी के पास भी बहुत सारे अस्त्र है, लेकिन विष्णु के सुदर्शन चक्र के सामने किसी का प्रभाव नहीं है, वही श्रेष्ठ प्रभाव। सुदर्शन चक्र भक्तों को रक्षा करने के लिए प्रकट हो गए वहां पर। और जैसे ही सुदर्शन चक्र प्रकट हुए, अम्बरीश महाराज प्रणाम किया और ज्यादा देर नहीं लगाया, सुदर्शन चक्र एकदम कृत्वा को टुकड़ा टुकड़ा करके निष्प्रभ कर दिया। जो दुर्वासा ऋषि ने जिस कृत्वा का प्रयोग किया था, इतना ही नहीं, वो सुदर्शन चक्र कृत्वा को समाप्त करने के बाद धीरे धीरे दुर्वासा ऋषि के तरफ जा रहे। जैसे ही जा रहे तो दुर्वासा ऋषि पीछे हट रहे, देखते हैं तो चक्र का तेज बड़ा भयंकर, पीछे हट रहे और ये भी भाग रहे, दुर्वासा के तरफ भाग रहे। फिर पीछे हटते हटते दुर्वासा ऋषि दौड़ना शुरू किया, लेकिन ये सुदर्शन चक्र उससे भी तेज दौड़ रहा है, वो पीछा नहीं छोड़ रहा है। दुर्वासा ऋषि समस्या में पड़ गए। दौड़ते 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 इस पृथ्वी के पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण दौड़ लिया, लेकिन सुदर्शन चक्र पीछे से नहीं हट। बड़ा समस्या, ऐसे ही शरीर बड़ा स्थूल है, रिसीवर है, बड़ा उम्र भी हो रहा है, दौड़ते दौड़ते सोच रहे कि कैसे इस सुदर्शन चक्र से हम बांच पाएंगे। मनोमन चिंतन कर रहे कि कौन मेरे को मचा सकते हैं। सोचते सोचते उस सत्यलोक में पहुंच गए, ब्रह्मा जी के पास। अम्बरीश महाराज ब्रह्मा जी को एकदम प्रणाम किया, कहते कि मेरे को बचाइए। क्या हुआ अम्बरीश, दुर्वासा क्या हुआ तुम्हारा? कहते कि मेरा पीछे सुदर्शन चक्र मेरा पीछे दौड़ रहा है। भगवान
भक्त रक्षा लागी सर्वदा प्रस्तुत होइया। यदि आप शरणागत है, यदि आप शुद्ध भक्ति करते हैं, कोई भी ऐसा विपत्ति आए, सुदर्शन चक्र आपके आसपास में ही विराज करते रहे। ब्रह्मा जी को बोला दुर्वासा कि इस सुदर्शन चक्र मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है मेरा। मैं अम्बरीश के पास गए थे द्वादशी के पारना करने के लिए, प्रसाद पाने के लिए, लेकिन दुर्घटना हो गया और मैं क्रोधित होकर अम्बरीश को कृत्वा से जलाने का कोशिश किया और ये सुदर्शन चक्र पता नहीं कहाँ से आया, मेरा कृत्या को समाप्त किया और मेरे को समाप्त करने के लिए मेरा पीछे पड़ गया। ब्रह्मा जी समझ गए आखिर वो तो पितामह है, ज्ञान है उनके पास। सबसे पहले वेदवाणी तो नारायण ब्रह्मा को दिया था, ब्रह्मा को धारण करने का शक्ति था। ब्रह्मा बोला हम समझ गया, हम इससे बचा नहीं सकते, तुम शिव जी के पास जाओ, वो विष्णु के नज़दीक के भक्त हैं, परम भक्त हैं। दुर्वासा ऋषि वहाँ से चल दिया और एकदम कैलाश पर्वत में पहुँच गए, शिव जी के चरण में पड़ गए। क्षमा कीजिए प्रभु जी, सुदर्शन चक्र से मेरे को मेरा प्राण बचाइए। शिव जी पूछते हैं कि क्या हुआ तुम्हारा, सुदर्शन चक्र तुम्हारा पीछे पड़ गया, क्या अन्याय किया, क्या तुम कोई कृष्ण भक्त के पीछे अन्याय किया, तो तुम तो तुम्हारा रक्षा नहीं हो सकता है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, भगवान कृष्ण के अस्त्र है और ये उन्हीं का कंट्रोल में है, हम लोग तो कृष्ण के दास है, विष्णु के दास है, उनका चक्र उनका भक्तों के चरण में कोई अपराध किसी ने करेगा तो चक्र छोड़ेगा नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम विष्णु भगवान के पास जाओ। बड़ा कष्ट के साथ दुर्वासा ऋषि वहाँ से निकलकर एकदम भगवान विष्णु के पास पहुँच गए, एकदम साष्टांग प्रणाम करते उनके चरण पकड़ लिया, प्रभु जी मेरे को रक्षा कीजिए, आपके आपके ये जो सुदर्शन चक्र है इस ये मेरे को मेरा पीछा नहीं छोड़ा है, ये मेरे को मार डालेगा, आप मुझे रक्षा कीजिए। विष्णु को तो पहले से ही मालूम अंतर्जामी है, अंतर्जामी रूप से सबके हृदय में बैठे, क्या क्या घटना हुआ, दुर्वासा ने क्या अन्याय किया भगवान जी को मालूम था, इसलिए विष्णु भगवान बड़ा शांत होकर कहे देखो दुर्वासा मैं अक्षम हूँ, मैं तुमको सुदर्शन चक्र से बचा नहीं सकते, बचा नहीं सकते। स्वास्थ्य जो हो गए, आपका चक्र है आप बचा नहीं सकते मेरे को। भगवान बोले अहं भक्तापराधीन झसतंत्र इव हिदीज साधु विग्रस्त हृदय भक्त ही भक्त जन प्रिय। मैं सुदर्शन चक्र को आदेश देंगे, आदेश देने का जो हृदय चाहिए वो हृदय भी चुरा के ले गया मेरा भक्त, मेरा मन मेरा हृदय को तो हृदय नहीं है, चोरी करके ले गए। अहं भक्ता पराधीन, मैं तो भक्त का अधीन हूँ, भक्त के ऊपर कोई अपराध करेगा तो मैं भी बचा नहीं सकता, वही भक्त के चरण में जाकर क्षमा मांगना पड़ेगा, सुदर्शन चक्र मेरा बात भी नहीं सुनेगा, क्यों वो मेरा अस्त्र है लेकिन मेरा अस्त्र का एक ड्यूटी बांधा गया है कि मेरा भक्त के ऊपर कोई अत्याचार अपराध करेगा उसको तुम खत्म कर देना। अभी भक्त यदि क्षमा करे सुदर्शन चक्र शांत हो सकता है, वरना मैं भी सुदर्शन को
चिंता में पड़ गए दुर्वासा ऋषि। किसी को नहीं डरते थे, उनके पास एक ऐसा सामान था वो सबको भस्मीभूत कर सकते हैं, तो इसलिए वो डरना किसको है। उनके पास जो क्रोध है वही काफ़ी है, जो भी थोड़ा सा अन्याय करेगा तो उसके क्रोध से जला देंगे, काम खत्म। दुर्वासा किसको डरने वाले। पूरे मुनि ऋषि के अंदर दुर्वासा का नाम फेमस है कि उनके पास जाने से थोड़ा सोच बूझ कर व्यवहार करना पड़ेगा, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा, वंशनाश हो जाएगा। दुर्वासा जैसे ऋषि आज ऐसा फापर में पड़ गए, विष्णु के पास गए। विष्णु बोलते मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, एक ही रास्ता है दुर्वासा, पैर का कांटा, पैर में कांटा धसता है तो जिधर से धसता है जिस मुंह से उसी मुंह से उसको निकलना पड़ेगा। जिनके चरण में तुम्हारा अपराध हुआ वो अम्बरीश के पास जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वो मेरा भक्त है, अभिमान सुन्न है, उनके अंदर क्रोध काम कुछ नहीं है, समाप्त है, वो दीनता के साथ तुम्हारा अपराध को क्षमा करेंगे। तुम खाना नहीं खाया, वो भी खाना नहीं खाया, केवल चरणामित प्रीकर है। दुर्वासा जितना दिन तक घूमे विष्णु तक, अम्बरीश महाराज के पास आते आते एक साल बीत गया, एक साल अम्बरीश महाराज एक दाना चावल एक रोटी नहीं खाए, क्योंकि मेरा घर में आए अतिथि मेरा ऊपर नाराज, ब्राह्मण वो भी ऋषि, उनको बिना खाना दिए हम खा नहीं सकते, वो तुम्हारा इंतजार में है। दुर्वासा ऋषि देखा और देर करने से कोई फायदा नहीं है, जिनको जलाने के लिए कोशिश किया उन्हीं के चरण में जाकर पढ़ना पड़ेगा, जीवन रक्षा के लिए अपना मान सम्मान को देना ही पड़ेगा। जीवन जीवन लेकर खिस्तान हो रहा है, बांचना है तो हमको अम्बरीश के चरण में पड़ना है। दौड़ दौड़ कर गए, जैसे ही अम्बरीश महाराज के चरण में प्रणाम करेंगे उससे पहले अम्बरीश महाराज धड़ास करके उनके चरण में पड़ गया कि मैंने बहुत अपराध किया, आपको मेरा अपराध के कारण आप एक साल आप नहीं खाए और मैं मेरा अतिथि के प्रति मेरा अवज्ञा का अपराध हो रहा है। दुर्वासा ऋषि तो वो तो जान गए थे कि अम्बरीश महाराज का चरण को पकड़ना है, जिनको कृत्वा से जला रहे थे उन्हीं के चरण में पड़े, बोला कि मेरे को क्षमा कर दो अम्बरीश, मेरे को क्षमा कर दो, मेरा अन्याय हो गया। ये बोल रहा है कि मेरा अन्याय हो गया क्षमा करो, वो बोल रहा है मेरा अन्याय हो गया क्षमा करो। कृष्ण भक्ति का ये प्रभाव है। अम्बरीश महाराज ससागर पृथ्वी के राजा थे, वो दुर्वासा को इजीली उसको टाइट दे सकते थे, लेकिन वो कृष्ण भक्त है इसलिए वो दीनता के साथ, ब्राह्मण है ऋषि है उनसे क्षमा मांगते। सबसे बड़ी बात है कि दुर्वासा कहीं भागे और कहीं कुछ करे, सबसे बड़ा बात तो ये है कि अम्बरीश महाराज एक साल तक दाना नहीं खाया, ये तो सबसे बड़ा बात। आपने को अपराधी समझ रहे थे कि ब्राह्मण यदि ना खाए, हमारा घर में अतिथि के रूप में आए, हमको खाना नहीं खा, हम खाना नहीं खा सकते, खाना खाने से मेरा नरक गमन होगा। दोनों ने धक्का धक्की हुआ, दोनों ने क्षमा मांग रहे। बाद में अम्बरीश महाराज को जब मालूम हुआ कि विष्णु भगवान ने बताया यदि अम्बरीश इस ब्राह्मण को क्षमा करेगा और सुदर्शन चक्र से बोलेगा कि इस ब्राह्मण को क्षमा कर लो, तभी वो सुदर्शन चक्र अपना स्थान में लौटेंगे, नहीं तो लौटेंगे नहीं। अभी भी सुदर्शन चक्र उनके पीछे फिर रहा है, बन बन करके घूम रहा है। सहस्र आरा अच्युत प्रिय,
वो चक्र जो है भगवान के प्रिय अस्त्र है, और सहस्र आ रहा है, सहस्र 1000 उसका मुंह है, काटेगा तो सब को समाप्त कर। अम्बरीश महाराज सुदर्शन चक्र से बोलते हाथ जोड़ करके, अगर ब्राह्मण ने कोई अपराध किया मेरा चरण में, मैं इनको क्षमा करता हूँ, तुम इसको छोड़ दो। अगर मेरा जन्म जन्म का कोई पुण्य, मेरा कोई शुभ कर्म संचित है, वो सब तुम लेके इस ब्राह्मण को रक्षा कर। जैसे ही बोला, सुदर्शन चक्र वैनिश हो गए, अदृश्य हो गए। दुर्वासा ऋषि का कहना है, बाद में तो दुर्वासा ऋषि को खिलाया, उसके बाद राजा ने खाया, पारना किया, शांति हुआ। लेकिन जाते समय दुर्वासा ऋषि बोल रहा है, अनंत दासानां प्रभावं अद्दो दृश्य में, भगवान के भक्त के प्रभाव आज मैंने देखा। कभी भी नहीं सोचे थे कि कृष्णदास जो होते हैं, विष्णु के जो दास होते हैं, उनका इतना प्रभाव होता है। मैं तो सोचता था मैं एक ऋषि हूँ, मेरा प्रभाव के सामने कुछ भी नहीं है, किसी का प्रभाव नहीं चलेगा। लेकिन आज अनंत दासानां महत्तम अद्दो दृष्टो में, आज मैंने देखा कि कृष्ण भक्त का महिमा कितना है। अम्बरीश महाराज उनके प्रति अपराध किया, दुर्वासा ऋषि ने उनके प्रति अपराध किया, अम्बरीश महाराज उसको गिना नहीं, मन में सोचे नहीं कि दुर्वासा हमारा ऊपर अपराध किया। उन्होंने खुद अपने को अपराधी मानकर दुर्वासा का चिंतन में 1 साल बिताया, खाना नहीं खाया। उन्होंने क्षमा मांगे दुर्वासा ऋषि से, सुदर्शन चक्र से क्षमा मांगे। उन्होंने अपना सारा पुण्य देने के लिए प्रस्तुत हो गया, इस ब्राह्मण को बचाने के लिए। ऐसा होता है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांतो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अनम अशांत। कृष्ण भक्त निष्काम शांत प्रकृति के होते हैं, उनके अंदर कोई कामना नहीं है तो क्या उनका विकार आप देख सकते हैं, प्रशांत रहते हैं। उनके अंदर अभिमान अहंकार बड़ापन कुछ सब सब। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण भक्त जो होता है, वैष्णव जो होता है, त्रिन से भी आपने को छोटा मानता है। त्रिनादपि सुनिचेन तर रूप अमानिन अमान देन कीर्त। हम अम्बरीश का कथा सुनकर हमें क्या शिक्षा लेना चाहिए? कृष्ण भक्त के पास जाओ, वहाँ पर जाने से तुम्हारा अंदर हृदय के अंदर जितना कामना है, जितना वासना है, जितना काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है, उनके चरण में चरण प्रांत में बैठने से, उनके उनका बात श्रवण करने से धीरे धीरे तुम्हारा अंदर काम क्रोध लोभ गायब हो जाए। हम लोग श्रवण कर रहे थे चित्रकेतु राजा का कथा। शिव जी कहते पार्वती को, नारायणा परा सर्वे कुतश्च न बिभ्यति। जो नारायण विष्णु के भक्त होते हैं वो लोग किसी चीज से डरते नहीं है। देवी पार्वती ने चित्रकेतु राजा को सांप दिया था, बोला क्या फर्क पड़ा, वो तो हंसते हंसते तुमको प्रणाम करके सांप को मस्तक में लेकर यहाँ से विदा लिए। तुमको अगर सांप मिल जाता तुम भी चिंतित हो जाते, 2-4 दिन खाना बंद हो जाता तुम्हारा। लेकिन वो देखो चित्रकेतु राजा, तुम सांप दिया, नीचे आकर तुमको प्रणाम किया, हंसते हंसते तुम्हारा सांप को शिकार करते हुए गए, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। नारायणा, कई अभिशाप आए और आशीर्वाद आए, कृष्ण भक्तों का कोई फर्क नहीं पड़ता, समावस्था में रहते हैं। दुखेशु अनुद्वेग्न चित्तो सुखेशु
विगत स्प्रिय, गीता बोलते हैं। गीता में कृष्ण अर्जुन को बोला, जीवन में दुख आए उद्विग्न मन में चिंतित नहीं होना, शांत रहना, और कोई सुख आए उसमें तुम अपने को डुबो नहीं देना। तब जाके तो शास्त्रों में एक एक वाणी है जिसको हृदय में धारण करते हुए जीवन में फैलाओ तो शांति आ जाएगा। शांति कहाँ है? शांति बाजार में थोड़ी मिलता है। सुख और शांति ये बाजार में नहीं मिलता है, धन के अंदर नहीं रहता है, स्त्री के अंदर नहीं रहता है, बढ़िया वस्त्र के अंदर नहीं रहता है। शांति और सुख का चाबी कृष्ण के पास है। आप कृष्ण के शरण लेकर रहेंगे तो आपके पास धीरे धीरे वो आता रहेगा, चाबी उनके पास है। जहाँ भी ढूंढो, दौड़ते रहो, मिलेगा नहीं। अम्बरीश महाराज का चरित्र से हमें परीक्षित महाराज सुन रहे थे, ब्रह्म साहब को भी नष्ट कर दिया, ऐसा महाराज कृष्ण भक्त थे अम्बरीश महाराज। दुर्वासा ऋषि का अभिशाप उसको टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, समाप्त कर दिया। कृष्ण भक्त भक्ति के बल से प्रभु के प्रति प्रीति, प्रभु के प्रति श्रद्धा, प्रेम, प्रीति के वजह से दुनिया के कोई भी चीज उनके लिए आदरणीय नहीं होता है, लोभनीय नहीं होता है। वो एकमात्र तो कृष्ण प्रेम के लोभी होते हैं, और कृष्ण भक्त के साथ कृष्ण का गुणगान करते हुए अपना जीवन को खुशी से बिताते हैं, आनंद समुद्र डूब जाते हैं। बोलो अम्बरीश महाराज की जय। अम्बरीश के वंश में एक राजा आए, खट्टांग राजा। उनसे हमें कुछ ज्ञान मिलता है। खट्टांग राजा अम्बरीश के वंश में आए, जिस वंश में भगवान रामचंद्र आए, भगीरथ आए। एक खट्टांग करके राजा थे, बड़ा पराक्रमी राजा, कभी भी युद्ध में पराजय नहीं उनके पास, कभी पराजित नहीं होते थे, इतना उनका पराक्रम। देवता और असुरों में हमेशा युद्ध चलता रहता है सृष्टि के आदि से। एक समय देवता लोग हार रहे थे, असुर सेना इतना प्रभावित हो रहे थे, हावी हो रहे थे, देवता लोग हार रहे थे। देवता लोग को मन में आया कि खट्टांग राजा को बुलाया जाए सहायता के लिए। खट्टांग राजा को बुलाया कि हमें थोड़ा सहायता करो भाई। खट्टांग राजा ने देवताओं के पक्ष लेकर लड़ाई किया और असुर लोग पराजित हो गए। बाद में देवता लोग कहते हैं कि राजा, तुम्हारा वजह से हम लोग का जय हुआ, युद्ध में हम लोग जयी हुए, वर मांग लो। खट्टांग राजा ने पूछा कि आप लोग बताइए हमारा आयु कितना है। एक मुहूर्त आयु बाकी है उनका, मृत्यु का एक मुहूर्त, मतलब हम लोग के हिसाब से एक सेकंड के 14.5 हिस्सा का एक हिस्सा होता है मुहूर्त, लेकिन देवोमान के हिसाब में वो ऐसा 45 मिनट करीब, एक घंटा से कम उनका पास टाइम था। खट्टांग राजा ने बोला कि वर देना है तो एक विमान दे दो, हम मर्त्यलोक में जाएंगे, इस भौम प्रपंच में जाएंगे। क्यों ऐसा बोला? कि उन्होंने विमान मांगा, देवता लोग दिया, और उस विमान में चढ़कर जल्दी ही यहाँ पर आके भगवान का ध्यान में बैठ गया। तो वो स्वर्गलोक में नहीं बैठ सकते थे, अनुकूल नहीं था, देवताओं के अंदर भोग विलास और घमंड ये सब था, इसलिए स्वर्गलोक में भजन का परिवेश नहीं है। एकमात्र मर्त्यलोक में ही
मनुष्य का अंदर त्याग तितिक्षा दीनता आरती होने के वजह से यहाँ पर मनुष्य शरीर में भजन करना आसान है और किसी शरीर में हरि भजन नहीं होता है। इवन देव शरीर में भी भजन नहीं हो सकता है क्योंकि उनके अंदर ईर्षा, देवताओं के अंदर पद के लिए आकांक्षा बने रहते। खट्टांग राजा तुरंत आया और गंगा जी के किनारे पर बैठ गए ध्यानमग्न होकर। 45 मिनट और आते आते ही तो कुछ मिनट चला गया उनका और परम गति को प्राप्त किया। शास्त्र में कथा है कि आप मातृगर्भ में रहकर भजन शुरू कर सकता है। प्रहलाद महाराज ने किया, ध्रुव महाराज बचपन में किया, युवावस्था में अमरीश महाराज ने किया, वृद्ध काल में जजाति राजा ने किया, मृत्यु के समय पर अजामिल ने किया और खट्टांग राजा, मृत्यु का थोड़ा देर बाकी था और भगवान का भजन, भगवान में मन लगाया और परम गति को प्राप्त किया। इसलिए जीवन के कोई भी किसी भी अवस्था में आपको ज्ञान हो जाए तो भजन शुरू कर देना चाहिए, देर नहीं करना चाहिए। देर करता है ऐसा मनुष्य निश्चित रूप से अपना टाइम को बर्बाद कर रहा है, निश्चित रूप से उनका चतुरता नहीं है, बुद्धिमत्ता नहीं है, इसलिए वो देर करता है। मनुष्य शरीर हरि भजन के लिए है, ना कि पशु जैसा खाना पीना और स्त्री संग करने के लिए मनुष्य शरीर नहीं है। खट्टांग राजा इस तरह से मुहूर्त समय के अंदर भगवान के पाद पद्म में मन को स्थिर किया और परम गति को प्राप्त किया। इसके आगे हम भगवान राम का चरित कथा सुनाएंगे, बड़ा संक्षेप रूप में है। वाल्मीकि जी जो रामायण लिखा वो तो विस्तृत रूप में, तुलसीदास जी ने लिखा, रस डाल दिया, लेकिन श्रीमद् भागवत में अधिकतर कृष्ण चरित वर्णन है। राम लीला केवल 2 अध्याय में वर्णन है, 9वां स्कंद में। वो भी सुखदेव जी बोलते हैं, नर देवत्वम आपन्न सुर कार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहणादिनी चक्रे विज्ञानी अत परम। भगवान रामचंद्र नर शरीर लेकर आए इस संसार में, अद्भुत रूप लेकर आए। नर देवत्वम आपन्न सुर कार्य चिकित्सया, देवताओं को रक्षा करने के लिए, उनका कार्य साधन करने के लिए आए। समुद्र निग्रहणादिनी, समुद्र देव को सेतु बंधन के समय पर भगवान रामचंद्र ने उनको निग्रह किया, शासन किया। चक्रे बिरजानी अत परम, भगवान अपना राम भगवान अपना नाम का महिमा हम का अपना दिखाया अपना अवतार में। हम लोग जानते हैं कि दशरथ जी का पुत्र 4 पुत्र है, राम लक्ष्मण भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, और राम प्रभु का जो नित्य धाम अयोध्या, एक वैकुंठ में भी अयोध्या धाम है, वहाँ भगवान रामचंद्र का नित्य लीला चल रहा है। और ये लखनऊ जो है भगवान रामचंद्र के क्षेत्र के अंदर आता है। दशरथ का पुत्र नहीं हो रहा था, पुत्रष्टि योग्य करने के लिए वशिष्ठ ने उनको सलाह दिया, और बाद में यज्ञ का प्रसाद चोरू अपना पत्नियों को खिलाया, और जिससे विष्णु भगवान 4 अंश में आए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के रूप में। भगवत्ता में, रूप का प्रकाश में, शक्ति का प्रकाश में भगवान रामचंद्र कृष्ण के बराबर, कृष्ण के नजदीक थे। उन्होंने जन्म लेते ही
विश्वामित्र का यज्ञ रक्षा करने के लिए उनको जाना पड़ा। तब कैसर अवस्था में थे, धनुर्बाण लेकर गए और ताड़ोका राक्षसी आदि को निधन किया। भगवान शास्त्र में कहते हैं कि परित्राणाय साधुनांग विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी जुगे जुगे। कई राक्षसी को वध किया और विश्वामित्र का यज्ञ का रक्षण किया। उसके बाद भगवान आगे अपना लीला को विस्तार करते करते उन्होंने अहल्ला को मोचन किया, पाषाण अहल्ला उद्धार किया। उसके बाद उन्होंने स्वयंवर सभा में जाकर मिथिला प्रदेश में जनक नंदिनी सीता देवी को विवाह किए और किसी समय भगवान परशुराम, वो भी भगवान का अवतार है, शक्ति का प्रकाश भिन्न भिन्न शक्ति का प्रकाश का भिन्नता से भगवान का अवतार बहुत है। ऐसे भागवत में 24 अवतार का वर्णन है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि कोई वो सतो सत तुआ अवतार, बहुत अवतार है भगवान का। किसी भी किसी ना रूप में भगवान को आना पड़ा समय समय पर। और हम लोग में कई लोग संशय में पड़ जाते हैं कि भगवान एक है नहीं, हिंदू धर्म में भगवान अनेक है। वास्तव में भगवान एक होकर अनेक है, बहु रूप में वो आ सकते हैं, समय समय पर जैसा जैसा लीला का जो जरूरत पड़ता है। ये तो भगवान का काम है, भगवान का महिमा है, भगवान का गुण है। जैसे जैसे पृथ्वी का भार, पाप भार को हरण करने के लिए, साधु को रक्षा करने के लिए और असुरों को नाश करने के लिए भगवान को समय समय पर आना पड़ा। भगवान रामचंद्र भी आए, एक समय रास्ते में परशुराम मिल गए। परशुराम को युद्ध करने का इच्छा था रामचंद्र के साथ, उनको रामचंद्र जो अवतार है उनको विश्वास नहीं था। बाद में परशुराम को परास्त किए, युद्ध करते हुए राम का प्रताप को उन्होंने देखा। बाद में दोनों ही अवतार है, लेकिन रामचंद्र कई मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उनका लीला का विचित्रता से वो बहुत आगे थे। और परशुराम तो एक सत्तावीस अवतार के रूप में आए थे। आगे जाकर भगवान रामचंद्र का राज्याभिषेक होता है और आप लोग जानते ही है कि किस तरह से कोई कई अपना दासी के युक्ति से उन्होंने दो वर मांग लिया दशरथ से और रामचंद्र को 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ा। वनवास जाना उनके लिए कोई कठिन काम नहीं था। भगवान के अंदर 6 भाग होता है, ऐश्वर्य, वीर्य, जस, श्री, ज्ञान और वैराग्य। वो वैराग्य मूर्ति है भगवान। देखने में हम लोग सोचते कि भगवान बड़ा भोगी है, नहीं, वो वैराग्य का सीमा है। 14 वत्सर काल वनवास के नंगा पैर में घूमते रहे इस भारतवर्ष के अंदर, कहाँ कहाँ नहीं गए। जब वो दंडकारण्य में गए थे, दंडकारण्य के ऋषिगण उनका रूप को देखकर मोहित हो गए थे और मनोमन प्रार्थना कर रहे थे कि रामचंद्र को पति रूप से मिले हम लोग को, हम लोग नारी रूप लेकर रामचंद्र को पति रूप से हम लोग का मिलना चाहिए। वही दंडकारण्य के ऋषिगण राम अवतार में तो मर्यादा पुरुषोत्तम उनका एक पत्नी धर वो थे, उसमें वो कभी लंघन नहीं किया भगवान रामचंद्र। कृष्ण अवतार में जाकर जितना गोपी आया, लाखों अनंत कोटि गोपी, उसमें से वो दंडकारण्य का ऋषिगण भी गोपी के शरीर धारण करते हुए उस अवतार में रामचंद्र ने
इन लोगों को अपना इच्छा को पूर्ति किया, जो मनोवासना था उनका पूर्ति किया। राज्याभिषेक होता है, किसका राज्याभिषेक? जो जिसको राजा बनना था वो 14 साल का वनवास, साथ में सीता देवी, लक्ष्मण भाई। लक्ष्मण तो ऐसा भाई है लेकिन वास्तव में वो भाई नहीं है, वो तो बलराम तत्व है। कृष्ण अवतार में बलराम के रूप में आया और राम अवतार में वही अनंत देव लक्ष्मण के रूप में आए। सेवा विग्रह है, वनवास में कितना सारा घटना हुआ, लेकिन सबसे पहले तो ये हुआ कि दशरथ अपना प्राण को छोड़ दिया। दशरथ कैसे प्राण छोड़ दिया? पुत्र विरह को सहन नहीं कर पाए। रामचंद्र वनवास में जाएंगे ये उनका हृदय दिल को समझा नहीं पाए, उनका मृत्यु हो गया। विरह भगवान के विरह से, रामचंद्र का विरह से उनका मृत्यु हुआ। मृत्यु के समय पर उन्होंने अपना पत्नी कैसल्या को कहे, देखो इसमें किसी का दोष नहीं देना, मेरा कर्मों का दोष है। मैं युवावस्था में किसी समय शिकार में गए थे और अंधमुनि उनका एकमात्र पुत्र, मैं शब्द वेदी बाण से उनको मार दिया था। अंधमुनि ने जात मृत्यु पुत्र शक में मारा गया और जाते समय अभिशाप देके गया कि जिन्होंने हमारा पुत्र को मारा वो भी पुत्र शोक में उसका मृत्यु होगा। जन्मदाता पिता नारे प्रारब्ध खंडायते, हमारा जो कर्म है प्रारब्ध है उसको अपना पिता माता भी खंडन नहीं कर सकते, उनको भोगना ही है। शास्त्र कहते हैं कि सौ कर्म फल भूक पुमान, मनुष्य अपना कर्मों का फल उनको भोगना ही पड़ता है। हम तो अच्छा कर्म करते हैं, बुरा कर्म करते हैं, बुरा कर्मों का फल निश्चित रूप से हमारा पास अच्छा होकर तो नहीं आएगा, बुरा ही हमको फल मिलेगा। दशरथ अपना प्राण छोड़ दिया और बाद में भगवान रामचंद्र धीरे धीरे चित्रकूट होकर वहां महाराष्ट्र के अंदर नासिक तीर्थ में पहुंच जाते हैं, वहां पर कुछ दिन रहे। वहां पर शूर्पणखा का नाक कान काट दिया। शूर्पणखा यही कृष्ण अवतार में कुब्जा होकर आए। शूर्पणखा, शूर्पणखा रावण के बहन, और वो रामचंद्र को देखकर शादी करने का उनका इच्छा हुआ। सीधा एकदम रामचंद्र के पास जाकर बोला कि मैं, मेरे को अपना पत्नी के रूप में स्थान दीजिए। रामचंद्र बोला कि मैं तो एक पत्नीधर हूँ, मर्यादा का लंघन हम नहीं करेंगे इस अवतार में, इसलिए तुम मेरा छोटा भाई जो लक्ष्मण है वो अभी शादी नहीं किया, उसके पास जाओ। लक्ष्मण तो टेढ़ा था, स्वभाव में भी वो टेढ़ा। जैसे ही शूर्पणखा उसको बोला कि हम आपको शादी करेंगे, तो लक्ष्मण बोला तुमको दासी बनना है? मैं तो रामचंद्र का दास हूँ और मेरा जो पत्नी होगा वो प्रभु का दासी बनकर सेवा करना पड़ेगा। अगर दासी होना है तो मेरे को शादी करो, नहीं तो चलो। लेकिन वो शूर्पणखा क्या किया कि काम आसानी से होने वाला नहीं है। वो रामचंद्र के पास गया और वो तो राक्षसी है, रामचंद्र को गिल के खाने के लिए प्रचेष्टा किया, तब तक लक्ष्मण उनका तरवाल से उनका नाक और कान को छिन्न कर देता है। लक्ष्मण बोला शूर्पणखा देखो हम तो तुमको मार सकते थे, लेकिन स्त्री हत्या करना उचित नहीं है, लेकिन ऐसा तुम्हारा साझा दिया कि जिंदगी में और किसी पुरुष तुम्हारा तरफ ताकेगा भी नहीं, नाक और कान को काट दिया।
लेकिन वही सीता हरण का कारण बन गया। शूर्पणखा समुद्र के पानी में खड़े होकर तपस्या करते हैं और तपस्या के से उठकर आके अपना भाई को बोलते हैं कि देखो ये सीता के कारण हमारा इस तरह से नाक कान को काट दिया, तुम सीता को हरण करो। और भगवान का प्रेरणा से रावण अपना एक साधु के रूप में आया और सीता को हरण करने के लिए आया। बहुत सारी कथा है, मारीच स्वर्ण हरिन बनकर दौड़ रहा है, सीता हरिन को पकड़ कर देने के लिए रामचंद्र से लक्ष्मण से अनुरोध करते हैं और रामचंद्र तो उसको पकड़ने के लिए जाते हैं, लक्ष्मण नहीं जाते हैं। लक्ष्मण से गाली दिया सीता कि तुम क्या चाहते हो, फिर रामचंद्र हुआ मारीच जो है वो राम वो ऐसे ही राम का सर से वो चिल्लाने लगा और लक्ष्मण को भेजा सीता जी। तब तक एकदम रावण एक साधु के रूप में आ जाते हैं सीता देवी का कुटिया के सामने, भिक्षांग देही, भिक्षांग देही। प्राचीन काल से ही ऐसे साधु संतो भंड साधु होते थे और सीता देवी को समझ नहीं आया, वो क्या किया, वो भिक्षा देने का तो इच्छा किया। लक्ष्मण जाने के समय पर सीता को एक गंडी बना के गए थे, इससे बाहर नहीं तुम जाना। वो गंडी जो है एक रेखा के रूप में, वो एक बड़ा उसमें मंतव पुत करके वो किया था कि उसके अंदर कोई भी अंदर जाकर कोई अनिष्ट नहीं कर सकता था, इसलिए रावण वो जानते थे। रावण सीता देवी को बोला कि बाहर आके भिक्षा दीजिए, दागी का बाहर आकर, नहीं तो मैं भिक्षा नहीं लेंगे। सीता देवी सोचे हमको तो बाहर जाने का मना है दाग से बाहर, लेकिन भिक्षुक है साधु है, भिक्षा ना लेकर चला जाएगा अपना। सीता देवी बाहर आए, पट से रावण उसको पकड़ कर ले। ये भी कथा है कुर्म पुराण में, चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया में गए थे, एक राम भक्त रामायण पढ़ रहे थे और रो रहे थे, तो उनसे महाप्रभु पूछे अरे तुम क्यों रो रहे हो, कहते जगत जननी सीता शक्ति स्वरूपिनी पवित्र, और उनको एक रावण जैसा एक राक्षस उनको स्पर्श किया, मैं मेरा दुख से मेरा वक्ष विदीर्ण हो रहा। महाप्रभु बोला कि असली सीता को रावण ले नहीं पाए, तुम क्या सोचते हो। जब वो गंडी के अंदर अग्नि था, अग्नि में असली सीता प्रवेश किया और नकली सीता उस दाग के बाहर आया, रावण उसको पकड़ कर ले गया, तुम चिंता मत करो। फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको पुराण का जो पन्ना ले आकर दिखाया कि देखो सीता असली सीता को रावण हरण नहीं कर पाए। बहुत सारी बात है, रावण जैसा एक राक्षस सीता देवी को स्पर्श नहीं कर सकते, इस तरह से सीता हरण होता है और रामचंद्र दुखी होकर अपना एक विरह लीला करते हैं, दिखाते हैं संसार में देखो स्त्री संगिनांग संगो, स्त्री माया होता है और उससे पुरुष का कितना नुकसान होता है। भगवान रामचंद्र भी जंगल में रोते रोते फिरते रहे सीता को ढूंढने के लिए, बाद में तो उनको सीता का संधान मिला कि रावण ले गया, और फिर वो किष्किंधा में वो सुग्रीव के साथ बंधुत्व किया और भगवान बाली को वध किया। सुग्रीव के सहायता से भगवान रामचंद्र वानर सेनाओं को लेकर समुद्र मन सेतु बंधन करने के लंका में जाएंगे। भगवान रामचंद्र समुद्र के तट पर पहुंचे सब वानर सेनाओं को लेकर और समुद्र देव का वहां पर शिव का पूजन किया, समुद्र देव को आह्वान किया कि तुम मेरे को रास्ता दे दो, मेरे को लंका जाना है। दो दिन तीन दिन उन्होंने समुद्र से प्रार्थना किया, समुद्र नहीं आए, रास्ता नहीं दिया।
अपना बाण उठाया और समुद्र देव को मारने के लिए जब उद्यत हुए तो समुद्र देव प्रकट होकर कहते कि प्रभु आपका सेवा करने के लिए मैं आपका सेवक हूँ, हाजिर हूँ, लेकिन तुम इतना देर क्यों किया? कहते कि प्रभु मैं रास्ता नहीं देंगे इसलिए देर किया, मैंने सोच रहा था कि अगर मैं रास्ता आपको दे दूं और आप चल के लंका पहुंच जाए, सीता को उद्धार करके ले आए, तो इससे आपका महिमा नहीं बढ़ेगा, मेरा ऊपर से आपका आपका नाम लिखा हुआ पत्थर तरता रहेगा और उससे सेतु बंधेगा, दुनिया आपका नाम का महिमा को जानेंगे, इसलिए मैंने देर किया। बाद में भगवान रामचंद्र वानर सेनाओं से हर एक पत्थर के ऊपर राम राम लिखकर उसमें फेंकवाते हैं, जय श्री राम का ध्वनि देकर वो लोग पत्थर को फेंकते हैं और पत्थर जैसे ऊपर आ जाते हैं। बलसिया बलराम चंद्र की जय। भगवान राम ने सेतु बंधन किया। सेतु बंधन का जो मुख्य चीज है वो है नाम का महिमा। राम नाम से पत्थर भी तर गए। और कलियुग में त्रेता युग का एक कहानी है, और कलियुग में चैतन्य महाप्रभु कृष्ण नाम ले आए। नाम के अंदर इतना शक्ति है कि नाम प्रभु और कृष्ण स्वयं भगवान रामचंद्र समान शक्ति है। नाम के अंदर सर्वशक्ति तत्तार पिता, नाम नामी में कोई भेद नहीं है। कृष्ण हरि राम ये तीनों जो नाम है ये भगवान से अभिन्न है, शास्त्र कहते हैं। और कलियुग में तुलसीदास जी ने भी कहा कलियुग केवल नाम आधार। नाम जप का इतना प्रभाव कलियुग में आया कि और युग में साधन अलग अलग साधन था, सत्य युग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर युग में अर्चन और कलियुग में नाम, नाम संकीर्त। इस तरह से भगवान रामचंद्र ने सेतु बंधन किया और लंका में जाकर फिर विभीषण ने उनको साथ दिया। मैं पहले बोला था कि घर शत्रु विभीषण कहते हैं, रावण को नहीं मार पाते यदि विभीषण राम के पक्ष में नहीं आते, ऐसा एक कहावत है, लेकिन ये तो एक लीला है, भगवान किसको नहीं मार सकते। लेकिन विभीषण का जहाँ तक चरित्र है वो अपना प्रभु का सेवा के लिए वो भाई को त्याग किया, रावण का संग को त्याग किया। हरि भजन में बाधा देते हैं तो अपना निकट जन भी त्याग के वस्तु होता है, उसमें कोई अपराध नहीं होता। विभीषण साथ दिया और बाद में भगवान राम और रावण का लड़ाई हुआ, अंत में भगवान रामचंद्र रावण को मार डाले। रावण भी कोई कम नहीं था, विश्वसवा ऋषि के पुत्र है, वो भी बड़ा शिव भक्त थे, लेकिन अन्याय काम करेंगे, भगवान के प्रति अपराध करेंगे, वो आपको छुटकारा नहीं मिल सकता है। रावण को वध करते हुए भगवान रामचंद्र ने सीता को उद्धार किया, सीता को लेकर आए, बाद में उनका राज्याभिषेक हुआ। तब तक कैसे राज चला? 14 वर्ष भरत को राजा बनना था, लेकिन भरत माता को गाली दिया और राजा बने नहीं, लेकिन रामचंद्र जी का खर्मा को रखकर उन्हीं को राजा के आसन में बैठा कर उन्होंने राजकार्य का सेवा किया। उन्होंने जब तक रामचंद्र वापस नहीं आए तब तक भूमि पे सोना, कुशासन में बैठना, गोमूत्र आदि से लेपन करते हुए उस और गोमूत्र से जव को भिगाकर उसको खाते थे भरत महाराज, बड़ा त्याग का प्रतीक थे।
भगवान राम का सेवा के लिए उन्होंने भी जैसे रामचंद्र 14 वर्ष त्याग किया, ऐसे ही भरत महाराज भी अपना शरीर का सकल प्रकार सुख विसर्जन देते हुए 14 वर्ष राजकार्य चलाया। उसके बाद भगवान रामचंद्र को राज्याभिषेक हुआ। फिर सीता देवी को वनवास भेजना पड़ता है। भगवान जैसे कि राम राजत्व को देख रहे थे, बड़ा प्रजानुरंजन वृत्ति में भगवान शासन कर रहे थे, एक दिन उनको कान में आया किसी धोबा ने अपना पत्नी को शासन कर रहा था, गाली दे रहा था कि सीता, राम की पत्नी सीता इतना दिन बाहर रह के आए और वो नहीं त्याग किया तुम, ऐसा इस तरह का एक गाली देने के वजह से रामचंद्र के कान में गया। रामचंद्र सीता को पुनः लखन के माध्यम से वनवास भेजते हैं और वहाँ जाकर फिर वाल्मीकि ऋषि के पास वहाँ रहते हैं, फिर लव कुश का जन्म होता है और धीरे धीरे सीता देवी का फिर अग्नि परीक्षा देना पड़ा और सीता देवी का पाताल प्रवेश हुआ। इस तरह से भगवान एक पत्नीधर उस वाक्य को कभी लंघन नहीं किया, मर्यादा का लंघन नहीं किया, पिता का वाक्य का लंघन नहीं किया। कृष्ण अवतार माधुर्य पुरुषोत्तम है और राम अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए उन्होंने कोई मर्यादा का हानि नहीं किया। मर्यादा का स्थापन करने के लिए उनको आविर्भूत होना पड़ा। त्रेता युग में उन्होंने जिस समय आए थे उस समय संसार में मर्यादा का बड़ा हानि हो रहा था, उसको स्थापन करने के लिए आए थे और अंत में उन्होंने सब भक्तगण को लेकर सशरी में अपना वैकुंठ लोकारोहण किए। उनके चरित्र में, उनके लीला में जो हनुमान जी थे वो दासत्व के प्रतीक थे, शुद्ध भगवत दास। भगवान के दासत्व में क्या आनंद है, हनुमान जी दुनिया को दिखा के गया। हनुमान जी किसी समय बोला था कि प्रभु, मेरे को यदि आप कोई वर देना चाहते हैं, मैं मुक्ति वर नहीं चाहता हूँ, जहाँ पर आप प्रभु मैं दास ये संबंध समाप्त होता है ऐसा मुक्ति भी मैं नहीं चाहता हूँ। शुद्ध दास हनुमान अपना दासत्व, दास भक्ति भी एक चरम भक्ति है और हनुमान उसका प्रतीक है। हनुमान जी शुद्ध दास भक्ति करके भगवान को सेवा लाभ किए। इस तरह से भगवान रामचंद्र का हम लोग वंदन करते हैं। जब परीक्षित महाराज उत्साही थे, कृष्ण कथा शुरू करने से पहले ही परीक्षित महाराज कहे तानी नो बदो विस्तरात, सुखदेव जी को कहते हैं कि अभी आप कृष्ण कथा कहेंगे लेकिन इसमें शॉर्ट मत कीजिए, विस्तार पूर्वक कहिए। क्यों? उसका 2-3 कारण दिखाया। आप जैसा श्रोता मिला, आप जैसे वक्ता मिला जो कि निवृत्त तरसई उपगियो माना, भगवान का कथा कीर्तन का भी विज्ञता होता है, जिनके अंदर इस संसार का तृष्णा समाप्त हो जाता है वही भगवत कथा को कीर्तन करने का अधिकारी है। सुखदेव जी निवृत्त दर्शयी उपगियो मान, काम क्रोध लोभ से पीड़ित व्यक्ति कभी भगवत कथा को कीर्तन नहीं कर सकते। सुखदेव जैसा वक्ता को मिला तो इसलिए परीक्षित महाराज शुरू में ही बोलते हैं कि आप कृष्ण कथा विस्तार पूर्वक कहें, इसलिए दशम स्कंद पूरा कृष्ण कथामय है, एक एक चैप्टर 2 चैप्टर नहीं, एक पूरा स्कंद और वो भी बहुत विस्तृत, बहुत बड़ा स्कंद, बड़ा हिस्सा श्रीमद् भागवत के बड़ा हिस्सा कृष्ण लीलामय कृष्ण चरितमय है, 10वां स्कंद। उसमें कृष्ण का आविर्भाव, कृष्ण का ब्रजलीला, कृष्ण का मथुरा लीला,
कृष्ण का द्वारका लीला आदि सब विस्तृत रूप से वर्णन है। परीक्षित महाराज बोल रहे थे कि प्रभु मैं तो इसलिए कृष्ण कथा सुनने के लिए बड़ा उन्मुख हूं, बड़ा आग्रहान्वित हूं, क्योंकि मेरा जो पितामह सब पंच पांडव वो कृष्ण के शरणागत थे, कृष्ण को मानते थे, कृष्ण के अनुगत थे, कृष्ण के भक्त थे, और मैं इसलिए सुनना चाहता हूं कृष्ण का गुण विस्तृत रूप से कि मेरा जन्म जब हुआ कृष्ण का कृपा ना होता मैं असत्मा का अस्त्र से मेरा जीवन नाश हो जाता। मेरा माता जैसे ही असत्मा ने ब्रह्मास्त्र छोड़े मेरा माता और किसी का शरण नहीं लिया, कृष्ण का शरण लिया, रक्ष माम प्राही माम ऐसा करते करते दौड़े और भगवान स्वयं चक्र से उस ब्रह्मास्त्र को काटकर गर्भ में प्रवेश करते हुए मेरा रक्षा किया। उसी समय प्रभु का दर्शन मेरा हुआ था, जिन्होंने मेरा जीवन को रक्षा किया, ब्रह्मास्त्र से मेरा जीवन को रक्षा किया, मैं उनका कथा निश्चित रूप से विस्तारित सुनना चाहता हूं। भागवत दशम स्कंध का कथा शुरू होता है और सूर्य वंश में भगवान रामचंद्र आया और चंद्र वंश में भगवान कृष्णचंद्र आया। जो चंद्र वंश है उसमें अत्रि चंद्र बुध, उसके बाद नहुष जजाति जदु विष्णी सूर और वसुदेव, इस तरह से परंपरा से आए। सूर वंशीय वसुदेव के घर पर कृष्ण का जन्म हुआ। वसुदेव एक धर्मपरायण धर्म मूर्ति थे। मथुरा में अपना शादी सूर्यवंशीय जो उग्रसेन उग्रसेन और देवक, उग्रसेन पुत्र कंस और देवक के पुत्र देवकी, देवकी देवी को विवाह करते हुए मथुरा में अपना घर की ओर जा रहे थे। स्वयं कंस उनका घोड़ा का रस्सी पकड़कर अपना बहन को पहुंचाने के लिए जा रहे थे वसुदेव के घर पर। रास्ता में आकाशवाणी होता है, दैववाणी, रे अभुद मूर्ख कंस तुम किसको ले जा रहे हो रथ में पहुंचाने के लिए जा रहे हो, तुम जिसको ले जा रहे हो उसके अष्टम गर्भ जात संतान से तुम्हारा मृत्यु है। दैववाणी सुना तो कंस एकदम हतबंब हो गए, मतलब आश्चर्यचकित रह गए। बड़ा प्यार के साथ देवकी को पहुंचाने के जा रहे थे लेकिन रास्ते में ऐसा हो गया, जिनको तुम बहन करके ले जा रहे हो गाड़ी में पहुंचाने के लिए जा रहे हो उसी के गर्भजात संतान से तुम्हारा मृत्यु है। एकदम कंस ने रथ को थमाया, खड़ग निकाले तरवाल और देवकी देवी का केस बाएं हाथ में पकड़ उसको खींच के नीचे ले आते हैं और तरवाल देकर उसको मारने के लिए उद्यत हो जाते। इस दुनिया का इस संसार का प्रेम ऐसा ही है, थोड़ा सा स्वार्थ में चोट पहुंचाएगा वो प्रेम खत्म हो जाएगा। वसुदेव अपना नव विवाहित पत्नी को रक्षा करने के लिए बहुत कोशिश किया, उन्होंने कंस को समझाया लेकिन कोई बात समझ नहीं रहा था। मैं ये सब बात नहीं जानता हूं, इसके गर्भजात संतान से मेरा मृत्यु है, इसको ही मार देंगे और गर्भजात संतान नहीं आएगा और मेरा मृत्यु भी टल जाएगा और मैं अमर बन जाएंगे, जैसे कि हिरण्यकशिपु सोचा था कि मैं तपस्या करके आए ब्रह्मा से वर लेकर आए मैं अमर। ये दुनिया में अमर कौन है, एकमात्र भगवान जिनका जन्म और मृत्यु नहीं है और सबके मृत्यु है। लेकिन कंस को वो चीज ध्यान नहीं था। बाद में वसुदेव समझाया, मृत्युर जन्म बतांग वीर देहन सहजायते। अरे कंस मृत्यु तो तुम जिस दिन जन्म लिया उस दिन तुम्हारा मृत्यु भी जन्म लिया,
देह न सह जाते, देह के साथ जन्म लेते, जन्म जन्म लेते हम लोग, उसी समय हमारा मृत्यु निर्धारित होता है। तुम इसको मारकर कहां मृत्यु से बांच सकते हो? भगिनी का हत्या, बहन का हत्या, नारी हत्या तुम करने जा रहे हो अपना मृत्यु को टालने के लिए, लेकिन मृत्यु को तुम टाल नहीं सकते। मृत्युर्वई प्राणिनां ध्रुव, मृत्यु ऐसा एक चीज है प्राणियों के लिए, मनुष्यों के लिए, कोई भी प्राणी हो उसके लिए मृत्यु उसके लिए ध्रुव है, सत्य है। बहुत समझाया लेकिन वो खड़गन उतार नहीं रहे थे, हाथ में खड़ग लेकर देवकी देवी को गला को काट देंगे एकदम। वसुदेव बुद्धि लगाया कि अभी किसी तरह से कंस को भी नारी हत्या से रोका जाए और देवकी देवी को भी बचाया जाए। उन्होंने बुद्धि लगाया और वसुदेव कंस को बोलते हैं, देखो कंस, इनके गर्भजात संतान से तुम्हारा मृत्यु है, मैं तुमको वचन देता हूँ जैसे जैसे इनके गर्भ से पुत्र जन्मेगा मैं तुम्हारा हाथ पर, जन्म लेते ही तुमको तो मारेगा नहीं, बड़ा होकर मारेगा, मैं जैसा जैसा पुत्र जन्म होगा मैं तुम्हारा हाथ में दे देंगे, तुम मार देना इसको। असुर प्रकृति के कंस है, सीधा बात तो समझ में नहीं आएगा, टेढ़ा बात समझ में आ जाएगा। उनको समझ में आ गया, बैठ गया मन में कि बात तो ठीक बोला, छोड़ दिया भगिन, बोले और पहुंचा क्या है। लेकिन यही कृष्ण लीला का सूत्रपात, कृष्ण का जन्म नहीं हुआ लेकिन लीला शुरू हुआ यहां से। और जैसा जैसा दिन बीतते गए, वसुदेव का पुत्र हुआ और वो पुत्र को लेकर वसुदेव कंस के पास पहुंचा के आ गया। पहला पुत्र कितद्युति, उसको पहुंचा के आया एकदम ताजा लड़का, अभी जन्म लिया, उस जन्म के साथ साथ अपना हाथ में उठाकर अपना पत्नी के गोद से लिया और कंस के हाथ में उठा। कोई ऐसा कर सकता है अपना पुत्र को मृत्यु के हाथ पर उठा के आ सकता है? लेकिन किम अकार्यम साधु नाम, भागवत कहते हैं साधु व्यक्ति का लिए त्याग, कोई भी त्याग उनके लिए असंभव नहीं है, कुछ भी त्याग कर सकता, अपना पुत्र को त्याग कर। इधर क्या करते हैं, कंस का हृदय में मानवता आ जाता है, दया आता है, अरे तुम्हारा ये नया लड़का इसको तुम ले जाओ, वापस ले जाओ, मैंने तो सुना है कि आठवां पुत्र जो है उसका हाथ से मेरा मृत्यु है, तुम ये सब पुत्र को ले जाओ। छोड़ दिया और तब तक नारद उनके घर पर पहुंच गया कंस के दरबार में, अरे आप सर्वनाश कर दिया। तो कंसों को बोलता है आप सर्वनाश कर दिया, क्या किया आप लड़का को वापस कर दिया, वो उसका अष्टम गर्भजात संतान इसको मारेगा, आपको मारेगा, ये सब के सब मारेगा, जिसको जिसको छोड़ रहा है वो भी मृत्यु का कारण होगा, एक आदमी थोड़ी मारेगा, ये सब भाई मिलकर तुमको मारेगा, आप उसको छोड़ दिया फिर वो बड़ा होकर वो तुम्हारा मृत्यु का कारण बन जाएगा। तुरंत आदमी को भेजा, बोला कि वो लड़का को ले आओ, जिसको असुर प्रकृति के आदमी का कुछ भरोसा नहीं है, किस समय उनका मन में दया आ जाए, किस समय उसका मन में क्रूरता आ जाए। फिर वो लड़का को बुलाया और लड़का को पत्थर में उसको मार दिया, ताजा लड़का, नया लड़का। आप हम सोचते हैं कि नारद ऐसे क्यों किया, कंस का तो हृदय में तो दया आ गया था, नारद भगवान का लीला देखना था, भगवान का लीला को सुष्ट रूप से कराना था, अगर कंस का पाप का घड़ा नहीं भरेगा तो भगवान का आविर्भाव नहीं होगा, भगवान को इस संसार में जल्दी ले आना है, इसलिए नारद ने ये काम किया, भगवान का प्रेरणा से हो गया। इस तरह से एक एक करके जैसे ही नारद का युक्ति कुयुक्ति, जैसे मंथरा ने दे दिया था दशरथ को, एक कैकेयी को, ऐसा ही नारद ने बोल के आया कि आप इस सब लड़का को मारिए और ये
देवकी और वसुदेव ये साधारण नहीं है, ये लोग भी बहुत खतरनाक है। इस सब दोनों को जेल में डाल दीजिए, कुछ भी कर सकता है। तो एकदम कारागार में, मथुरा कारागार में ये दोनों को सिगड़ी से बांध कर रख दो, और वहीं पर संतान प्रसव हो रहा है एक एक करके, और ये मारते जा रहे हैं। जैसे ही सातवां गर्भ आया तो उसमें भगवान अनंत देव कृष्ण के सेवक है, लीला का सहायक है, उनको बचाना था, इसलिए जोगमाया को बोला कि तुम देवकी देवी के गर्भ को ट्रांसफर करो रोहिणी के गर्भ में। तो रोहिणी नंदन बलराम उनका जन्म होता है सातवां गर्भ में, और अष्टम गर्भ के संतान जब देवकी देवी के पेट में आ रहा हो उस समय से कंस चिंता में पड़ गए, भयानक चिंता। चिंता मतलब हम लोग तो ईश्वर का चिंतन ऐसे ही थोड़ी करते हैं, अगर घर में कोई विपत्ति, बड़ा विपत्ति आए तब हम लोग गौड़ीय मठ में कृष्ण के पास 2 डजन कला, 1 किलो सेब लेकर चढ़ा देते हैं कि प्रभु मेरे को पार कर दीजिए। कितना खर्चा किया, मान लीजिए 50 रुपया खर्चा किया, 5 लाख का सामान मांगने के लिए आ गया, ये तो हम लोग का काम है। उधर क्या होता है, हमको भगवान में मन लगाना चाहिए। कंस, शिशुपाल, रावण ये सब वैरी भाव से कृष्ण में मन लगाया था, तब जाके वो दोनों वो सब का उद्धार हुआ। जेनो केनो उपायनो मनो कृष्ण निवेश है, मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा खतरनाक है, मन बड़ा दुष्ट है। जितना शास्त्र में साधन लिखा है मन को कंट्रोल करने के लिए, और मन को कंट्रोल करने के लिए एक ही रास्ता है कि ईश्वर का उपासना करो, ईश्वर का चिंतन करो, उससे जल्दी ही मन स्थिर होगा। कंस दिनों रात अपना राज्य का काम चला रहे, माता पिता को भी बांध के रख दिया कारागार में, किसी को नहीं छोड़े, क्योंकि माता पिता थोड़ा भगवान के भक्त थे। नारद बोल के गए कि भगवान का भक्त जो है वो किसी को नहीं छोड़ना, तुमने वो सब खतरनाक है, तुम्हारा पीछे पड़ जाएगा, इसलिए भक्त के प्रति अत्याचार, ब्राह्मण के प्रति अत्याचार, देवताओं के प्रति अत्याचार पाप का घड़ा को भराता है। और कंस का घड़ा भर गया। जिस समय भगवान कृष्ण का उम्र 11 साल का था उस समय कंस का समाप्ति हुआ, कंस को मारा भगवान ने 11 साल उम्र में। उससे पहले कृष्ण का जन्म होता है, कंस कारागार में जन्म होता है। ये भी बड़ा विचित्र है, अद्भुत है कि दुनिया का जो जीव को आनंद देने वाला वो अंधेरा में जन्म ले रहे हैं। भगवान तो स्वयं ज्योति स्वरूप है, भगवान स्वयं सूर्य स्वरूप है, अंधकार कारागार में वो आ रहा है, हृदय में सबका आनंद, सबका हृदय में रोशनी प्रकाश देने के लिए भगवान आ रहे, लेकिन वो जन्म ले रात को समय और कारागार के अंधकार कारागार में। कंस इंतजार कर रहा है दिन रात, उसको नींद नहीं आ रहा है, और बड़ा ही चिंतित थे कंस कि अभी मेरा मारने वाला खुद आ रहे। उनके हृदय में बहुत भय आया और भगवान के चिंतन में वो एकदम डूब गए। जैसे कृष्ण भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र जन्माष्टमी, ये भी बड़ा विचित्र है, जिनका जन्म नहीं है वो जन्म ले रहे हैं, जिनका नाम अजय है जन्म नहीं है, जिनका जन्म मृत्यु नहीं है वो जन्म ले रहा है, जन्म नहीं ले रहे। शास्त्रकारों ने बोलते हैं कि वास्तव में कृष्ण आविर्भाव, वो भौम प्रपंच में उसका आविर्भाव हो रहा है। छोटा रूप लेकर वो देवकी देवी के गर्भ सिंधु से वहाँ पर रात को 12 बजे प्रकट हो गए। घोरतम रात निशित, और भादो का मायना बारिश हो रहा था, सब सो रहे थे, दारी प्रहरी जितना कारागार में सब लोग सो रहे थे। अचानक आवाज आया, बच्चा जब पैदा हुआ रोने का आवाज आया तो
कंस ने बोल के रखा था दारुवान को कि जैसे ही बच्चा हो और रोना लगे तो मेरे को बोला देना, तुरंत मैं आके मार दूंगा। लेकिन रोने से पहले तो बहुत कुछ काम हो गया। जैसे ही जन्म लिया, चतुर्भुज मूर्ति से भगवान जन्म लेते हैं, देवकी और वसुदेव स्तुति करते हैं प्रभु को। वसुदेव पहले स्तुति किया, उसके बाद देवकी देवी स्तुति किया। देवकी देवी अपना स्तुति के बाद बोलते हैं कि प्रभु आप एक आपका एक क्या लीला है, आप चतुर्भुज मूर्ति लेकर आए तो दुनिया में आपका बदनाम होगा कि एक भगवान किसी मनुष्य के गर्भ से आ रहे हैं। आप अपना रूप को समर्पण कर लीजिए, आप छोटा शिशु के रूप ले लीजिए, दो हाथ दो पैर। भगवान तुरंत अपना शरीर को छोटा शिशु जैसा बना लिया और उन्होंने बोला कि हमको यहाँ नहीं रहना है। वसुदेव को बोला तुम मेरे को गोकुल में पहुँचा के आओ। बोला कैसे जाएं, तो सिकली बंद है, उधर दारुवान है, दारुवान सब सो रहा है, सिकली मैं सब खोल दूंगा। वसुदेव रातों रात कृष्ण को ले जाते जमुना पार करके उधर गोकुल, नंद महाराज का गोकुल धाम, बड़ा आनंदमय धाम है गोकुल धाम, जहाँ कृष्ण ने बाल लीला किए, रमन रेती रेती में रमन करते रहे, वहाँ छोड़ा थे वसुदेव। वहाँ जसोदा देवी का पुत्री होता है, लड़का को रखकर पुत्री को उठा के ले आते हैं और रातों रात ये सब काम होता है। उसके बाद समय आया तो प्रभात के समय आया तो लड़की समय समझकर वो रोने लगी और तब तक दारुवान ने उठ गया और तुरंत जाके कंस को बोला के ले आया। कंस ऐसे ही दौड़ के आए और वो लड़की को देखा, पहले आश्चर्य हो गया कि लड़का बोला था अष्टम घर में जाते संतान, ये लड़की हुआ, ये देवता का बात सब दैववाणी ठीक नहीं होता, ये लोग झूठ बोलते रहते, चलो मैं इस लड़की को मार दूं कम से कम। पहले दोनों पैर पकड़ कर उसको उठा के पत्थर में फेंका तो हाथ से निकाल कर वो देवी मूर्ति, सड़भुजा मूर्ति, देवी मूर्ति होकर कहते रे मूर्ख मूर्ख कंस, तुमको मारने वाला और कहीं जन्म लिया, यहाँ नहीं, और कहीं जन्म लिया तुमको मारने वाला। तो कंस ने देखा कि ये सब के सब झूठ है, विश्वास नहीं किया, बड़ा चिंता के साथ घर में गए वापस। और जाते 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 फिर बहुत विषण होकर सब मंत्रियों को बुलाते हैं, मीटिंग करता है कि क्या किया जाए, ऐसा ऐसा हो गया। इधर कृष्ण जो देवकी वसुदेव के कारागार में जन्म लिए, वो तो विष्णु थे लेकिन कृष्ण द्विभुज मूर्ति है, जसोदा देवी के गोद से ही एक लड़का कृष्ण का जन्म हुआ और ये वसुदेव अपना लड़का को जब रखा वो लड़का कृष्ण के साथ मिल गए। और इस तरह से सिद्धांत में बहुत सारे कथा है कि भगवान विष्णु आते हैं, जो वासुदेव वसुदेव के घर में जो कृष्ण आते हैं उनका नाम है वासुदेव, और जसोदा के लाला नंद महाराज के लाला वो है कृष्ण, जो लीला पुरुषोत्तम है, माधुर्य पुरुषोत्तम है वहाँ पर है। और फिर इस तरह से भगवान का जन्म होता है और धीरे धीरे कृष्ण बड़ा होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी बोलते हैं नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाता लाद महामन। नंदस्तु, नंद महाराज के घर में भी कृष्ण जन्म लिया, इसका मतलब दो कृष्ण जन्म लिया। कंस कारागार में वसुदेव के पुत्र के रूप में कृष्ण जन्म लिया और इधर गोकुल में भी नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाता लादो महामन। नंद महाराज खुश हो गए, थोड़ा उम्र में उनका पुत्र प्राप्ति हुआ और वो भी पुत्र आनंद कंद पुत्र सच्चिदानंद घन, भगवान का नाम, भगवान का लीला, भगवान का गुण सच्चिदानंद।
हम तो आनंद के लिए भीख मांग रहे हैं और कष्ट कर रहे हैं, कितना दुख सहन कर रहे हैं, लेकिन आनंद कंद भगवान के पास हम नहीं जाते। अगर हम इतना कष्ट इतना दुख हम अपना खाने पीने रहने के लिए उठा रहे हैं, अगर थोड़ा आनंद पाने के लिए कृष्ण के चरण में हम शरणागत हो जाए तो आनंद आनंद से भजन एकदम जीवन को डुबो देगा, डुबो दे सकता है। नंद जो आनंद को वशीभूत किया उसका नाम है नंद। आनंद घन तत्व को भक्ति के द्वारा वशीभूत करते हुए अपना घर में अपना पुत्र के रूप में ले आया, इसलिए भगव उनका नाम है नंद। नंद का बड़ा आनंद हो गया। जैसे ही वो सुबह उठ के सुना कि मेरा घर में पुत्र हुआ, रात को क्या कुछ लीला हुआ किसी को कुछ मालूम नहीं, जोग निद्रा से सब सो रहे थे, और सुबह उठ के जैसे ही देखा कि मेरा जसोदा के गर्भ से संतान आए, धीरे धीरे दासी से लेकर हा में बात फैल गया और गोकुल महावन में एकदम सब के सब। देखिए गोकुल महावन, गोकुल जो स्थान है जहाँ पर गोकुल गौ माता का स्थान है, गोपियों का स्थान है, गोप गण के स्थान है, और जहाँ पर दूध दही माखन छेना इस सब का प्राचुर्य है, और जहाँ पर गौ माता रहता है सुबह उठ के दोहन करना पड़ता है और माखन निकलना होता है बहुत सुबह सुबह करना पड़ता। सब लोग उठ गया और सबके कान में ये बात आ गया कि नंद महाराज के एक अच्छा एक सुंदर पुत्र हुआ। सब लोग अपना अपना काम फेंक कर जो मार्केट में जा रहा था, जो दूध बेचने के लिए जा रहा था, माखन बेचने के लिए, वो सब उधर आ गया और एकदम नंद महाराज के घर में आकर एकत्रित हो गए। नंद महाराज धार्मिक थे, पितृपुरुष ब्राह्मण को बुलाया, पितृपुरुषों का पूजा किया, पुत्र का मंगल कामना करके वो दान और सब देना शुरू किया, क्योंकि शास्त्र में विधान है कि दान से द्रव्य का शुद्धि, ईश्वर चिंतन से आत्मशुद्धि होता है। नंद महाराज के घर एकदम पूरा उत्सव का माहौल, किसी को बुलाया नहीं, गोप गोपी सब वहाँ पर पहुँचे, और जितना बजाने वाला नाचने वाला सब वहाँ पर पहुँचे और बजना शुरू कर दिया और नाचना शुरू कर दिया, और दही और दूध सब एकदम कंधे में सब छिड़काया और उसी में नंद महाराज का अंगिना एकदम दोई दुग्धमय हो गया। हमारा कवि किसी कवि ने गान गाते हैं, स्वर्गे दुंदुबी बाजे नाचे देवगण। दुंदुबी बाजन शुरू हुआ स्वर्ग में, भगवान आए, आनंद कंद आए, लीला पुरुषोत्तम आए, और यहाँ देवतागण भी वहाँ पर सब यहाँ पर पहुँचे नंद महाराज के अंगिना में। मनुष्य रूप लेकर आए, कौन किसको पहचानता है, एकदम नंद महाराज घोषणा कर दिया कि हमारा पुत्र का उत्सव एक मायना होगा। जन्मदिन जैसे बनाते हम लोग एक दिन का, नंद महाराज एक मायना 30 दिन का उत्सव घोषणा किया, जितना लोग आओ खाओ आनंद करो नाचो गाओ और मेरा लड़का को आशीर्वाद देके जाओ। इस तरह से नंदोत्सव शुरू हो गया नंद महाराज के घर में।